अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आज का जो टॉपिक है वो है एबिलियन ग्रुप। ग्रुप हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, अब एबिलियन ग्रुप। एबिलियन ग्रुप क्या है? हमारे पास अगर एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार, जी इज अ ग्रुप, वेयर जी इज अ ग्रुप। अगर ये ग्रुप अब कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करेगा, तब जाके ये एबिलियन ग्रुप बनेगा। कम्यूटेटिव लॉ क्या है? ए स्टार बी, याना चाहिए बी स्टार ए, अब बनेगा ये वायर ए कमा बी, ये बिलोंग, ये होना चाहिए एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप, वट एवर मे बी द ग्रुप, वायर स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल जेड प्लस सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन, वायर एडिशन इज हेयर बाइनरी ऑपरेशन। ये ऑलरेडी ग्रुप है, अब चेक करना है ये एबिलियन ग्रुप है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल टेक टू एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप जेड, सेट ऑफ इंटीजर्स 2 and 9, 2 + 9 इज इक्वल टू 11, दैट इज इक्वल टू 9 + 2, वायर प्लस इज हेयर बाइनरी ऑपरेशन। Therefore, इसने अब सेटिस्फाई किया है कम्यूटेटिव लॉ। अब Z प्लस जो ग्रुप है हमारे पास, ये अब एबिलियन ग्रुप आया है। इसी तरह M प्लस, वायर M इज सेट ऑफ मैट्रिसेस, M प्लस ये भी एबिलियन ग्रुप बनाएगा। ये हुई एबिलियन ग्रुप की डेफिनेशन। अब कुछ रिमार्क पॉइंट्स, लेट्स स्टार्ट रिमार्क पॉइंट 1। जो सबसे लीस्ट ऑर्डर का ग्रुप होगा वो होगा ग्रुप कंटेनिंग ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट, इसका ऑर्डर होगा 1। ऑर्डर मतलब कार्डिनलिटी, कितने एलिमेंट्स होंगे। इस ग्रुप को हम ट्रिवियल ग्रुप की भी कहते हैं, ट्रिवियल ग्रुप, वेयर ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। नंबर सेकंड पॉइंट इज जीरो का हम लेते हैं एज एडिटिव आइडेंटिटी, एज एडिटिव आइडेंटिटी, व्हाइल वन इज टेकन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वन अंडर एनी ऑपरेशन। नंबर थर्ड पॉइंट इज ग्रुप जो होता है ये सिंपली सेट नहीं होता है, ये होता है एक एल्जेब्रिक, सम स्पेसिफिक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, देयरफॉर इट इज नॉट।